भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर स्थित फाजिल्का सेक्टर की GG2 चौकी के निकट सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजी गई हेरोइन के 6 पैकेट बरामद किए हैं। जहां इस बारे में जानकारी देते हुए BSF के DIG इपिन पीवी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से GG2 चौकी पर हरकत हो रही थी, जिसको देखते हुए सीमा सील की गई और गश्त तेज कर दी गई। खुफिया विभाग की सूचना मिलने के बाद सीमा पर एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जवानों ने सीमा के साथ लगते इलाके की तलाशी ली और इस दौरान आज सुबह GG2 चौकी के निकट पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने वाले व्यक्ति के पाँव के निशान देखे गए। उन्होंने बताया कि जवानों ने कांटेदार तार के निकट एक किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में दबी हुई 6 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आए व्यक्ति ने किसान के खेत में गड्ढा खोदकर हेरोइन के पैकेट छिपा दिए और निशानी के तौर पर एक सूखी लकड़ को उसमें गाड़ दिया। उन्होंने बताया कि इसमें किसी भारतीय के संलिप्त होने की आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आए व्यक्ति ने सीमा पर चौकसी को देखते हुए इस खेप को खेत में दबा दिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के तस्कर मौसम और कोहरे को देखते हुए तस्करी की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर हरकत पर निगाह जमाए हुए हैं। इनसे हमारा पास ये खबर है कि हमारा GG2 और GG3 जो है BOP है, गुरखागट्टी 2 गुरखागट्टी 3 BOP, ये काफ़ी एक्टिव हो रहा है। इसके ऑपोजिट एरिया कुछ हरकतें हमको दिखाई दी है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच से हमको मिला है। इसके अनुसार बॉर्डर डोमिनेशन में थोड़ी बढ़ोतरी हमने लिया है और कल खासकर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था ये हमारे अपने इंटेलिजेंस ब्रांच से कि GG2 की एरिया खासकर जो है मतम नगर है उसकी आगे की एरिया से कुछ हरकत हो सकता है। इस वजह से कुछ डोमिनेशन ज़्यादा था। ये कमांडेंट सेक्टर भी उसी एरिया में मौजूद थे, DCG उधर मौजूद थे और बटालियन की ओर से भी जो रामपुरा बटालियन है 129 उनकी ओर से भी जो है काफ़ी नफरी तैनात किया। कंपनी कमांडर भी मौजूद थे और कल शायद इस वजह से कुछ नहीं कर पाए होंगे। आज सुबह हमने डिसाइड किया पूरा एरिया जो फेंस की आगे इस एरिया की एक बार तलाशी किया जाए, ताकि अगर कोई हरकत हुआ हो रात में और अनसक्सेसफुल रहे और हो सकता है चांस था मिलने की, इसकी दौरान हमको ये हमारा BP नंबर है 2459S और 246 मेन पिलर, इसकी बीच में जो है दोनों के बीच में करीब 40 मीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर जो है खेत के बीच में मिला है। ये रिकवरी फिलहाल जो है अनक्लेम्ड है। फाजिल्का से जाट टीवी न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट।